बहुत ही रिस्की है। Hey guys, welcome back to the channel. अभी हम जा रहे हैं शिलोंग से चेरापूंजी के लिए। अभी हम ऑन द वे हैं, रास्ते में ही हैं। और शिलोंग से चेरापूंजी की बात करें अराउंड 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है और जाने में लगभग लगभग 1.5 आवर्स लग जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे अमेजिंग से व्यूज़ आते हैं, हम व्यूज़ को भी कैप्चर करेंगे। बाकी चेरापूंजी पहुँच कर वहाँ का भी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है चेरापूंजी वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट लाइक प्लेस है, मतलब वेट मतलब बहुत ही गीला होता है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है इसी जगह पर होती है, चेरापूंजी में ही। तो चल कर देखते हैं, वहाँ पर नेचर बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, अभी हम चेरापूंजी के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है और यहाँ से जिप लाइनिंग भी है, आप जिप लाइन भी कर सकते हैं, एडवेंचर इंजॉय कर सकते हैं। इसके चार्जेस की बात करें तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, बट हाइट बहुत सही है, 500 फीट की हाइट है और 300 मीटर लंबा है, जो कि मैं पहले मनाली वगैरह ट्रिप में मैंने किया हुआ था, तो वो लगभग लगभग 100 मीटर की, मैक्सिमम 100 मीटर की होती है और 20 फीट्स की हाइट, 20 to 30, मैक्सिमम 50 फीट्स की हाइट पर मैंने किया हुआ था। उसके चार्जेस 800 रुपीज़ थे और ये 1000 रुपीज़ में है, 500 फीट हाइट है और 300 मीटर की लेंथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। फिर अभी हम चेरापूंजी जी के अंदर आ गए हैं और चेरापूंजी के अंदर सबसे पहला जो स्पॉट है एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वह है वाई साउडोंग वाटरफॉल है। और यहाँ जाने के लिए आपको पहाड़ के ऊपर से आते हैं और नीचे तक पूरा खड़ी चढ़ाई है, लाइक स्टेयर्स हैं, इससे उतर के जाना होता है। तो अभी हम वहीं उतर रहे हैं, नीचे पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ का व्यू पॉइंट कैसा है। चलिए सबसे पहले ये अमेजिंग से जो रास्ता है, रास्ते का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। जा रहे हैं ना, रास्ता यही है ना। बहुत ही रिस्की है, बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। ठीक, अब पहुँचने वाले हैं। ओह, तो यहाँ से जी जाना है ऐसे। यहाँ आने के बाद बिल्कुल लग रहा है कि ये इतना ट्रैकिंग करना, इतनी ख़तरनाक वाली ट्रैकिंग करना वर्थ इट है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये वाटरफॉल है, हालांकि अभी समर का टाइम है तो बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है, बट जो खूबसूरती है ना बहुत सही है, बहुत अमेजिंग है। यहाँ तीन साइड से पहाड़ हैं, इधर से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ इस साइड है
और ये इस साइड पहाड़ है, और ये इस साइड में वाटरफॉल है, और अभी इसके ऊपर भी जाने का है, अभी ऊपर भी जाएंगे। ये वाटरफॉल है, यहाँ भी पहाड़ है पूरा, ये पहाड़ है, और ये जो है ये सामने थोड़ा खुला हुआ, ये हालांकि यहाँ कोई भी रास्ता सीधा खुला हुआ नहीं है, ये आगे जाकर पहाड़ है, फिर रास्ता इस पहाड़ के पीछे से घूमकर ऊपर जाना होता है। ये देखिए मैं थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूँ, ये लोग आ रहे हैं ना, ऐसे हम लोग यहाँ से आए हैं ख़तरनाक वाले ट्रैकिंग करते हुए। ये लोग भी वहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। किया, अब मैं यहाँ से वापस हो रहा हूँ। इतनी प्यारी जगह थी, हमने यहाँ लगभग 2 घंटे टाइम स्पेंड किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटे लग जाएंगे, और सनसेट होने वाला है मेघालय में। यहाँ पर खासतौर चेरापूंजी में जल्दी सनसेट हो जाता है, तो देखते कोई जगह होगी और टाइम हुआ तो 1-2 जगह और एक्सप्लोर करेंगे, बट उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Ha ha ha.